जो आम श्रमिक दहाड़ी मजदूर दिन रात मेहनत करता है, उसके 400 रुपए प्रतिदिन 500 रुपए प्रतिदिन तनख्वाह के लिए आज जो इस कार्यक्रम से उसे दिया जा रहा है, ये कान खोल के सब लोग सुन लें, जो पंजीयन आपका किया जा रहा है यहां, जो पंजीयन का कार्यक्रम यहां आयोजित किया जा गया है, जहां हर असंगठित मजदूर का पता, उम्र, कहां कार्य करता है, मोबाइल का नंबर, उसकी पंजीयन की जा रही है। ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक, असंगठित श्रमिकों के प्रति कोई तोहफा नहीं है, यह कार्यक्रम आपका हक, जिससे आप 15 वर्षों से वंचित रहे थे, वो हक आपको कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे आपातकाल में राशि देने की बात हो, जो 25,000 से 2,00,000 रुपया तक आज इस मंच से दिया गया है, मेरे द्वारा जिन जिन लोगों को मैंने वो लिफाफा दिया है, और आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरे द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा कोई तोहफा नहीं दिया गया, आपका हक आपके हाथ में दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। मैंने सदैव आपको कहा है, कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी नहीं, कांग्रेस बड़े लोगों की पार्टी नहीं, कांग्रेस किसानों की पार्टी है, कांग्रेस मजदूरों की पार्टी है, कांग्रेस महिलाओं की पार्टी है, कांग्रेस नौजवानों की पार्टी है, क्योंकि हम इस कांग्रेस के गुलदस्ते पर देश का हर एक व्यक्ति, हर समाज के व्यक्ति को सम्मिलित करके एक ऐसा गुलदस्ता बनना चाहिए, जिस गुलदस्ते से हर किस्म के फूल की महक विश्व भर में उस मंच से हम भेज पाए। मुझे बड़ी खुशी हुई वो ब्रोशर को पढ़ते हुए, जो मैन सिंह जी ने मुझे समझाया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम एक इंदिरा जी का था, और अब कांग्रेस के शासनकाल में मैन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में हमारे असंगठित मजदूरों के लिए 20 सूत्र कार्यक्रम बनाकर इन्होंने तैयार किया है। हर संभव मदद मेरे असंगठित श्रमिक को दिलवाने की कोशिश सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि आप भारत की नींव हो, अगर आप खुश रहोगे, अगर आप स्वस्थ रहोगे, अगर आपके हाथों में वो क्षमता रहेगी, तभी मेरा भारत का गुलदस्ता बन पाएगा। और आज जहां एक तरफ हमने श्रमिकों की बात की, वहीं दूसरी तरफ जो इस भारत माता की नींव है, जिसकी मेहनत के आधार पर, जिसकी परिश्रम के आधार पर आज भारत वो देश बन चुका है, जो पूर्व में
आयात करता था खाद्यान्न का, आज वही भारत निर्यात करता है और 50 देशों को अन्न भारत से भेजा जाता है पूरे विश्व के पेट भरने के लिए। लेकिन 5 साल इस मोदी जी की सरकार के समय में मेरा अन्नदाता पीड़ित हो चुका है, मेरा अन्नदाता दुखी हो चुका है, मेरा अन्नदाता अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है। महाराष्ट्र से 20,000 किसान नंगे पैर पैदल चल के दिल्ली की तरफ कूच रहे हैं, आंध्र प्रदेश के किसान अपने भाइयों के हड्डी लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में मंदसौर के किसान के छाती पे गोली चलाई जाती है बीजेपी की सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसान कि ये स्थिति करा देते हैं कि खून से दीवार पर लिखना पड़ता है कि मेरे गन्ने का सही दाम दे दो। महात्मा गांधी की जयंती के दिवस पर जब राहुल गांधी और हम महाराष्ट्र के सेवाग्राम में बापू की जयंती मना रहे हैं तो दिल्ली के सड़कों पर फरीदाबाद से आए हुए किसान पर लाठी और आंसू गैस लगाया जा रहा है। क्या यह है महात्मा गांधी का देश जिसमें किसान को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और इसलिए कांग्रेस की सरकार ने यह निर्णय लिया कि सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सारे किसान का 2 लाख तक कर्जा माफ करके दिया जाए। तो कांग्रेस की सोच है कि जान जाए प्रवचन न जाए, सरकार आपने बनवाई और 10 दिन के अंदर नहीं लेकिन 6 घंटे के अंदर राहुल गांधी के निर्देश पर मध्य प्रदेश की सरकार ने 55 लाख मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के 40,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करके दिलवा दिया। वो शिवराज सिंह जी, वो नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि पैसा नहीं हमारे पास, अंबानी और अडानी का तो 3.5 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया लेकिन मेरे गरीब किसान का कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं इनके पास। हमने दिखाया मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा है जो शिवराज सिंह जी आपके और हमारे सिर पर छोड़ के गए हैं, पर हमने दिखाया कि कर्जा हो या ना हो जो मैंने मन से आपको कहा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी तो पहला हक खजाने में अगर किसी का होगा तो वो मेरे माधव महाराज के अन्नदाता का होगा। और आज जो इस मंच से एक एक किसान का कर्ज माफ हुआ है 1,66,000, 1,55,000, 82,000, 1,95,000, एक एक किसान के प्रति ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का संदेश है कि चिंता मत करना, कांग्रेस की फौलाद आपके साथ है, आपके संघर्ष में बुरा समय आएगा तो कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी। और यही छत्तीसगढ़ में हमने किया है, यही राजस्थान में किया है, यही पंजाब में किया है, यही कर्नाटक में किया है
और केंद्र सरकार में कांग्रेस जब स्थापित होगी मई के माह में, तो पूरे देश में ऋण की माफी की योजना राहुल गांधी लाई। किसान आज देश का नींव होता है। सरकार ने दोनों तरफ से गला घोट के रख दिया, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, खाद का दाम, बीज का दाम, बिजली का दाम। हाँ, हमने कहा था कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान का ऋण माफ, बिजली बिल, बिजली बिल भाजपा का सूबा। आपने अपना वादा निभाया, अब हमारी बारी है वादा निभाने का। कर्जा माफ करा दिया, जो किसान जिसका 10 हॉर्स पावर तक का पंप होगा उसका बिजली बिल करा दिया, और जो व्यक्ति 100 यूनिट तक बिजली लेगा आइंदा उसको केवल 100 रुपया भरना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया है, किसान के प्रति, श्रमिक के प्रति, महिला के प्रति। सामूहिक विवाह में हर महिला को, वर को नहीं लेकिन वधु को 51,000 रुपया आपके खाते में डाला जाएगा। यह निर्णय कैबिनेट ने ले लिया है मध्य प्रदेश। तो किसान, श्रमिक, महिला, बचा मेरा नौजवान, और नौजवानों के लिए भी पिछले कैबिनेट में निर्णय ले लिया है कि जो शिक्षित बेरोजगार होगा हर वर्ष में 100 दिन उसे बेरोजगारी भत्ता के रूप में 4,000 रुपया प्रति माह कांग्रेस की सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो नौजवान, किसान, श्रमिक और महिला पर याद रखना, ये केवल 45 दिन की मेहनत है, ये केवल 45 दिन का श्रम है, ये केवल 45 दिन की मजदूरी है। अगर 45 दिन में कांग्रेस की सरकार ने ये करके आपको दिखाया तो कल्पना करो कि 5 साल में हम क्या करके आपको दिखा देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई आज कि हमारे जिले के कलेक्टर भास्कर जी ने एक नई सोच विचारधारा लाई है। हमारे जिले में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको दिन में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, शादी, विवाह, सम्मेलन, जहां इतना खाना परोसा जाता है कि पूरा खाना का इस्तेमाल भी नहीं होता और कचरे के टोकरी में डाला जाता है। इनकी मेहनत काबिले तारीफ है। एक ऐप इन्होंने बनाया है, मोबाइल का ऐप बनाया है कि जहां जहां ऐसे सम्मेलन हो, जहां जहां ऐसे कार्यक्रम हो, जहां खाना जरूरत से ज्यादा बच रहा है वहां से खाना लिया जाए। हमारे ऑटो यूनियन के लोगों को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, अन्य लोगों को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं जो आगे आकर उन्होंने कहा है कि हम मदद करेंगे, उन जगहों से खाना उठाया जाएगा, कॉमन जगह पर वो खाना रखकर भूखे पेटों को
उस योजना के द्वारा हर दिन और रात भरा जाएगा। एक बहुत अच्छी सोच और विचारधारा कलेक्टर भास्कर जी ने शुरुआत की है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन करिए। ओके भास्कर जी, ओके ओके, टीम भी है पर आप सिंबल के रूप में खड़े हो, चलो तालियों की गड़गड़ाहट। अभी तालियां ठीक से, ये मेरी गुना की तालियां नहीं है। जब कोई प्रशासन का अफसर बुरा काम करता है तो उसको टंगाया जाता है, पर जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। ये भी निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं प्रशासन, कोई अच्छे होते हैं कोई इतने अच्छे नहीं होते हैं, जैसे हम लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ इतने अच्छे नहीं होते। और प्रजातंत्र की प्रक्रिया में जो इतने अच्छे नहीं होते उनको आप उठा के नीचे ला देते हो। तो मैं बधाई देना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई आज एक पंडाल के नीचे तीन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं बधाई देना चाहता हूं महेंद्र सिंह जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे शासन को, और बधाई देना चाहता हूं हमारे कलेक्टर साहब को। इसी तरह हम जनता के साथ जुड़े रहेंगे तो इनकी आशा और अभिलाषा को हम पूरा कर पाएंगे, जो हमारे जीवन का मकसद है। धन्यवाद, जय हिंद।